हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या फिर पॉलीनोमियल को किस तरीके से विद इन अ सेकेंड फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने दो चीज़ें बेसिक सा लिखा है कि प्लस होगा तो हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे और माइनस पे चेंज करेंगे। ये क्या बता रहा हूँ मैं, ये अभी जब क्वेश्चन कराऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हमें करना होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो मतलब एक होगा, तो इस एक के मल्टीप्लाई करना होगा आपको नॉन वेरिएबल टर्म के साथ, जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लगा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 का 18 के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, 18 आएगा। ठीक है, अब ये जो 18 आया है, इस 18 को आपको क्या करना है, दो ऐसे नंबर में ब्रेक डाउन करना है, दो ऐसे नंबर में तोड़ना है, इसको ब्रेक डाउन करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए और प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी करने पे क्या आ जाए, ये 9 आ जाना चाहिए। तो देखो ऐसा हम क्या कौन सा नंबर ले सकते हैं, 6 और 3। और आप हमेशा कोशिश करना, हमेशा नहीं आपको करना पड़ेगा कि बड़े नंबर को पहले लिखना और छोटे नंबर को बाद में। तो यही दो नंबर है, 6 3 का क्या हो जाएगा 18 और 6 और 3 को जब हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमें दो नंबर मिल जाएगा तो बस कुछ नहीं करना, दो ब्रैकेट ले लेना है, इक्वल टू ज़ीरो है तो इक्वल टू ज़ीरो कर लेंगे। अब पहले ब्रैकेट में एक्स और सिक्स ले लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में एक्स और ये 3 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको देखेंगे, अब ये मैं इस एरो को मिटा रहा हूँ, ये जो मिडिल वाला टर्म है ना, इस टर्म की साइन देखना। तो ये साइन क्या है, मतलब यहाँ पे दो ही साइन होंगे, या तो ये वाले साइन और ये साइन होंगे। तो आपको पहला साइन देखना, ये जो साइन होगा वही साइन लिख देना है यहाँ पे, एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला साइन आएगा या ये चेंज होके आएगा वो कैसे पता चलेगा, हमें इस वाले साइन से ही पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो देखो माइनस पर क्या है, चेंज है, तो माइनस पर चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू 0। अब देखो ये आपका फैक्टराइज हो चुका है। ठीक है, अब अगर हमें फैक्टराइज करके ही छोड़ना है तो यहीं पे छोड़ देंगे, अगर x की वैल्यू निकालना है तो बस आगे हम क्या कर लेंगे, इधर x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 6, और x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 3। इस 6 को RHS में भेज दें और इस 3 को भी RHS में, तो आ गई दोनों वैल्यू। ठीक है, जैसे अब इसका भी करते हैं, तो यहाँ पे भी अभी देखो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या होगा, 1। अब इस 1 का मल्टीप्लाई आप किसके साथ करेंगे, 8 के साथ, तो 8 आप इधर रफ में लिख लें। अब इस 8 को आपको ब्रेक डाउन करना है दो नंबर में, तो दो नंबर में ब्रेक डाउन कर लेंगे, और ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये 8 आ जाए और प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी करने पे ये 2 आ जाना चाहिए। तो ये कौन सा हो सकता है 8 का, हाँ 4 और 2, 4 2 8 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 भी आ जाएगा। बस जब ये जब ये दो नंबर मिल जाए उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, इस वाले को आप मिटा लें। अब इसके बाद क्या करेंगे, वही चीज़ें, दो ब्रैकेट बना लें आप, इक्वल टू 0 है तो 0 कर लेंगे, पहले ब्रैकेट में x और 4, बीच में थोड़ा सा कैप देना साइन इंसर्ट करने के लिए, उसके बाद फिर इसमें x एंड ये 2। मैंने बताया कि पहले वाले जो साइन होगा ना वो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब ये साइन बदलेगा या नहीं ये हमें ये बताएगा, तो यहाँ क्या है, माइनस, और माइनस पे क्या है, चेंज, तो आपको चेंज करना, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इक्वल टू 0, तो अब फाइनल ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से इधर इधर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 4, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे ये वाला है। अब इसमें भी आपको वही चीज़ करना है कि यहाँ एक्स स्क्वायर का, हाँ भी एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे अभी हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे के जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना वो 1 है, फिर हम उसके बाद अगर कुछ और होगा उसके भी देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई अगर 30 के साथ करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 30। अब इस 30 को दो नंबर में ब्रेक डाउन कर लें, जिसको प्लस या माइनस करने पे क्या जाना चाहिए, 11x आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे 11 को आप ऐसा लिख ले 6 और 5, क्योंकि 6 और 5 से क्या हो जाएगा, 30, एंड 6 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। तो बस दो नंबर हमें मिल गया, अब क्या करना है, वही दो ब्रैकेट बना लेना है और इक्वल टू 0 है तो 0 कर लेंगे। ठीक है, अब पहले में क्या करेंगे, x और 6 को लेंगे, दूसरे में भी x एंड 5 है तो 5 को लेंगे, पहले वाला साइन हमें एज इट इज़ रखना है। अब ये वाली साइन यहाँ आएगी तो ये बदल के आएगी या फिर यही आएगा, ये कौन बताएगा हमें, ये। तो यहाँ प्लस है तो प्लस पे देखो, प्लस पे कोई भी चेंज नहीं है,
जब प्लस होगा तो हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, यानी कि प्लस है तो क्या आएगा, प्लस ही आ जाएगा। बस अब यहाँ से मिल जाएगा हमें कुछ नहीं, इधर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो और एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, इधर भेज देंगे तो माइनस सिक्स, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू माइनस फाइव। हो गया ये आंसर। और अगर आपको फैक्टराइज करना है तो बस यहीं तक रहने देंगे, आगे नहीं प्रोसीड करेंगे, x की वैल्यू निकालना है इसलिए हमने यहाँ तक लेके आ गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से जब आप 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 ही आएगा। इसको भी दो नंबर में ब्रेक डाउन करें आप, और इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और प्लस या माइनस करने पे ये मिडिल वाला टर्म आ जाए। तो हाँ, आई थिंक 9 एंड 2 हो जाएगा। तो बड़े नंबर को हमेशा पहले लिखना, ठीक है। तो 9 2 18 और 9 में से 2 जाएगा क्या जाएगा, 7। तो कुछ नहीं, फिर से दो ब्रैकेट आप बना लो, इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, क्योंकि इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे 9 है तो यहाँ तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x वेरिएबल में, तो आपको x लेना होगा और ये 9, फिर से ये x और दूसरा 2। यहाँ प्लस है तो एज इट इज़ लिख देना फर्स्ट वाले में। अब दूसरे की साइन बदलेगी या नहीं बदलेगी, जैसे ये माइनस है तो ये साइन यहाँ पे आ जाएगा या फिर ये बदल के आएगा, ये हमें कौन बताएगा, ये प्लस बताएगा। तो प्लस पे देखना, हाँ प्लस पे कोई भी चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, मतलब ये माइनस है तो ये माइनस एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये फैक्टराइज हो गया हमारा, जब ये फैक्टराइज हो गया तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर बस x की वैल्यू निकालना है, तो x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, माइनस का 9 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आंसर। तो आप इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आंसर। अब आप देखें दूसरा क्वेश्चन, फिर से वही चीज़, इस 3 का मल्टीप्लाई आप किसके साथ करेंगे, 18 के साथ। तो 3 8 का क्या हो जाएगा, 24। तो ये हो गया 24। अब इस 24 को क्या करें, आप दो ऐसे नंबर में ब्रेक डाउन करें जिसको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, ये मिडिल वाला टर्म 14, एंड मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 24। तो 6 4 24 तो हो रहा है, लेकिन 6 और 4 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, नहीं, हाँ 12 2 24, एंड 12 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा। तो यही दो नंबर मिल गया। अब जब ये दो नंबर मिल गया तो अब कुछ नहीं करना, फिर से वही दो ब्रैकेट बना लो, इक्वल टू 0 है तो 0 कर देंगे, ठीक है। अब ओ एक सेकंड, हाँ इस वाले क्वेश्चन में जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ हो तो हमें क्या करना है कि ये जो नंबर है ना इसको डिवाइड भी करना है, किससे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। यहाँ 5 है तो 5 से इसको डिवाइड भी करेंगे, वैसे इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, फाइनल 5 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 3 का कितना आ जाएगा, ये 15, तो ये आ जाएगा 3, 5 से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 3, और ये 1/5 ही रहेगा, 1/5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, अब 3 को इधर भेज देंगे तो माइनस का 3, और ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5 आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है कि जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है तो उस नंबर से आपको डिवाइड भी करना होगा। तो चलो वही चीज़ करते हैं, पहले x है तो x तो ले ही लेंगे ये, और x के साथ क्या लेंगे यहाँ पे, 12, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इस उसके बाद ये 12 है, इसको अब हम क्या करते हैं, पहले साइन का कर लेते हैं फिर नंबर का उसका कर लेंगे। यहाँ पे भी आपको x लेना होगा, फिर ये 2 है तो 2 लेना होगा, ठीक है। अब साइन का करते हैं, तो यहाँ पहले वाला साइन हम एज इट इज़ रखते हैं, माइनस है तो माइनस ही रखेंगे। अब ये वाला साइन यहाँ आएगा या ये बदल के आएगा, ये कौन बताएगा हमें, ये माइनस बताएगा। तो माइनस पे क्या है, चेंज है, हाँ मतलब चेंज होके आएगा। तो देखो ये प्लस है तो क्या आएगा, माइनस। अब तीसरा काम क्या करना है हमें, कि ये जो है जो आया था यहाँ पे दो नंबर, इसको हमें डिवाइड भी करना होगा। क्यों करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है। तो यहाँ 3 है तो इसको डिवाइड करना होगा किससे, 3 से, और इसको भी डिवाइड करना होगा किससे, 3 से। अब फिर से कुछ नहीं, वही चीज़ कर लेंगे, इधर एक्स माइनस, अब इसको आप डिवाइड करो तो 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो 2/3 आंसर, ठीक है। वैसे इस इधर भी देखते हैं, ये सारे क्लियर हो जाएगा, चार चार क्वेश्चन में करा रहा हूँ ताकि कोई भी परेशानी नहीं हो। फिर से आप वही चीज़ करोगे, 10 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, इस 7 के साथ। तो क्या हो जाएगा, 7 10 जा 70। अब इस 70 को अब दो नंबर में ब्रेक डाउन करो, जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या जाना चाहिए, मिडिल वाला टर्म 9।
और मल्टीप्लाई करने पे 17 आ जाना चाहिए। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो 70 का फैक्टर लिखना, उसमें से दो नंबर सेलेक्ट कर लेना जिसको प्लस या माइनस करने पे 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 70 आ जाए। तो आई थिंक हाँ ये जो होगा ना ये 14 and 5 होगा। क्यों? क्योंकि 14 5 जा क्या होगा 70 एंड 14 में से 5 जाएगा तो 9 आ जाएगा। फिर से वही चीज़ कर लेंगे, दो ब्रैकेट बना लो और इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 कर लो। x के टर्म में ये पॉलीनोमियल है तो x लिख लो, दूसरा पहला नंबर क्या है 14 तो 14, फिर वैसे ही यहाँ x एंड ये 5 है तो 5, पहले वाला साइन हम एज इट इज़ रखते हैं, यहाँ माइनस है तो क्या आएगा माइनस ही आ जाएगा। अब ये वाली साइन बदल के आएगी या फिर यही आ जाएगी ये कौन डिसाइड करेगा, तो डिसाइड ये करेगा। तो यहाँ क्या है माइनस, और देखो माइनस पे बता चुका हूँ कि माइनस पे क्या होगा चेंज, तो माइनस पे आपको क्या कर देना है इसको चेंज कर देना है, तो ये माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस। अब एक और काम बच गया कौन सा, कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 10 उससे हमें डिवाइड करना होगा सबको, तो डिवाइड कर दो। ठीक है, अब जैसे डिवाइड करेंगे तो ये x माइनस 2 से इसको कैंसिल कर लो, तो 2 7 14 अपॉन 2 5 10 इक्वल टू क्या होगा 0, और x प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 अपॉन 5 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 अपॉन 2 आंसर। ठीक है, वैसे ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 15 का इस बार किससे मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, तो 15 8 जा क्या हो जाता है 120। अब इस 120 को फिर दो नंबर में ब्रेक डाउन करो आप, जिसको प्लस या माइनस करने पे ये 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 120 आ जाए। तो ये तो सिंपल है, 12 10 जा क्या होता है 120, तो ये 12 और ये 10, क्योंकि 12 से 10 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा और 12 10 जा 120, तो ये दो नंबर हमें मिल गया। फिर से इन दोनों नंबर को हम वैसे लिख लेंगे, दो ब्रैकेट ले लो इक्वल टू 0 कर लो, यहाँ x का वेरिएबल में पॉलीनोमियल है तो x आ जाएगा, ये 12 हम पहले के साथ लेंगे, फिर ये x और ये 10 दूसरे के साथ लेंगे। पहला साइन क्या है प्लस, तो ये प्लस एज इट इज़ लिख देना है आपको, और ये साइन बदलेगी या नहीं बदलेगी या फिर यही माइनस आ जाएगा नीचे ये कौन डिसाइड करेगा, ये प्लस डिसाइड करेगा पहले वाला साइन। तो देखो प्लस पे क्या है नो चेंज है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब कि अगर ये माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस ही आ जाएगा। अब फिर से कुछ नहीं, अब तीसरा हाँ एक चीज़ और भी है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 15 तो हमें इसे डिवाइड भी करना होगा, तो डिवाइडेड बाई 15, यहाँ भी डिवाइडेड बाई क्या कर लो 15। तो अब यहाँ से इसको एक्स प्लस क्या हो जाएगा 12 को 15 से डिवाइड करेंगे तो इधर लगा लेना आप, इधर x प्लस 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15 इक्वल टू 0, और ये 5 से तो x माइनस 5 2 जा 10 5 3 जा 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा x इक्वल टू इसको इधर भेज देंगे तो माइनस 4 अपॉन 5 और x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3। तो ऐसे आप जब एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 10 हो तो बस करना कुछ नहीं, सारा प्रोसीजर जो है वही होता है, बस यहाँ जो नंबर आएगा उन दोनों नंबर को आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। ठीक है,